पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी। मध्य प्रदेश की खंडवा के खालवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खालवा नगर के मंडी प्रांगण में आज संयुक्त कृषक संगठन ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा। और आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर खालवा नगर की दुकानें आधा दिन के लिए बंद रखी गई। खालवा नगर के ज़्यादातर दुकानदारों ने किसानों की मांग को जायज़ ठहराया और सरकार से इनकी मांगों को लेकर अपना भी पुरजोर समर्थन करने की बात कही। आधा दिन तक दुकानें खालवा नगर में बंद रहीं और किसानों ने सरकार से यह मांग की है। साथ ही साथ धरना प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी भी दी है कि किसानों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले कई सालों से लगातार सोयाबीन की फसल हो अथवा अन्य फसलें हों, उनकी उत्पादन क्षमता घटी है और मौसम की मार उन्हें लगातार पड़ रही है। इस वर्ष भी सोयाबीन की फसल दिख तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन उसमें अगर किसी की फसल निकली भी है तो प्रति एकड़ बहुत कम निकली है। उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही, 18 से 20 हज़ार रुपये एक एकड़ पर लागत होती है और जितनी फसल निकल रही है उससे 4 हज़ार रुपये भी हाथ में किसानों के नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज़्यादातर फसलों की स्थिति बहुत ख़राब है, कुछ का उत्पादन होगा, कुछ का उत्पादन होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि सर्वे भी जल्द से जल्द कराया जाए और सर्वे के साथ साथ सरकार सोयाबीन का जो भाव है उसे कम से कम 6,000 रुपये रखे, ये किसान की मांग है। भाई साहब, आपका परिचय और किस विषय को लेकर के आज इस प्रकार का धरना आंदोलन था? संयुक्त कृषक संगठन तहसील इकाई खालवा द्वारा आज एक दिवसीय सांकेतिक धरना, हमने फसलों के जो भाव गिरे हुए हैं खास करके सोयाबीन मक्का की फसल हैं, तो हमारे शासन से विगत एक महीने से आंदोलन चल रहा है कि हमें सरकार कैसे भी करके सोयाबीन के 6,000 के भाव दे। आज हमारी मांग ये है कि शासन ने हमारी जो एक मांग है समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी को स्वीकार किया है, इसमें 1108 रुपये का बोनस और मिला के केंद्र और राज्य सरकार दे जिससे कि किसानों को 6,000 के भाव प्राप्त हों। उसके साथ ही अन्य तहसील की जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे 20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से फसल कटाई काफ़ी प्रभावित हुई है और किसानों की फसलें कई जगह ख़राब भी हुई है। हमने प्रशासन से ये भी मांग की है कि हमें फसल बीमा और RBC की धारा 6-4 के तहत फसल बीमा दिलाया जाए। एक मांग इसमें यह है कि फसल कटाई के बाद रबी सीजन आने वाला है और सहकारी समितियों में अभी DAP यूरिया और अन्य उर्वरकों की मात्रा अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। अभी DAP के लिए किसान भटक रहे हैं और उन्हें DAP नहीं मिल रही। शासन से हमारी ये भी मांग है कि खाद की जल्दी उपलब्धता पूर्ण की जाए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि यह धरना एक सांकेतिक था। इसके बाद 4 अक्टूबर से खंडवा जो जिला इकाई है वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसमें हर रोज़ एक तहसील के लोग बैठेंगे और यह बारी चलती रहेगी, अनिश्चितकालीन चलता रहेगा यह आंदोलन जब तक कि हमें सोयाबीन के पूरे भाव नहीं मिल जाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से भी मैं आग्रह करता हूं कि 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले धरने को मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और धरने को सफल बनाएँ। आपको परिचय? मेरा नाम राहुल खोरे है और मैं संयुक्त कृषक संगठन तहसील इकाई खालवा। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।